हे दोस्तों, दिस इज हिमांशु। आप देख रहे हैं टेक्नोलिक टीवी। नो ड्रामा, नो फेक, ओनली एंड ओनली रियल टेक। तो यार, एक बड़ी अपडेट निकल कर सामने आई है। नोकिया का नया स्मार्टफोन, नाम जिसका होने वाला है दोस्तों नोकिया 9 प्योर व्यू। उसकी इमेजेस दोस्तों लीक हो चुकी है और उसकी वीडियो भी ऑफिशियल भी लीक हो चुकी है। अब दोस्तों आपको इस फोन के बारे में बता देता हूँ। पहले भाई आप इसकी इमेजेस को देख लीजिए। यहाँ पर दोस्तों आपको काफी एक बढ़िया चीज देखने को मिल रही है। आपको बैक साइड में 5 कैमरे देखने को मिल रहे हैं, यानी कि भाई ये वर्ल्ड का पहला ऐसा फोन होगा जो 5 कैमरे यानी कि पेंटा लेंस के साथ देखने को हमें मिलेगा। तो काफी बढ़िया बात है दोस्तों। अब हम इसके कुछ और फीचर के बारे में जान लेते हैं। तो भाई सबसे पहले इसमें आपको मिलने वाला है स्नैपड्रैगन का 845 प्रोसेसर, जो कि दोस्तों हाई स्पीड है इसकी 2.8 गीगाहर्ट्ज़, जो कि स्नैपड्रैगन का अब तक का सबसे बढ़िया प्रोसेसर है। तो यार वो इसमें देखने को मिलेगा। फ्लैगशिप लेवल का है दोस्तों, तो ये फोन भी फ्लैगशिप होने वाला है। साथ में दोस्तों आपको 2-3 वेरिएंट देखने को मिलेंगे। एक आपको 6GB 128GB मिलेगा, एक आपको दोस्तों 8GB और 256GB तक का वेरिएंट भी मिल सकता है। साथ में दोस्तों ये आएगा एंड्रॉयड के 9.0 यानी कि पाई वेरिएंट के साथ। और एक खास बात की है, नोकिया के हर स्मार्टफोन की तरह दोस्तों एंड्रॉयड 1 पर काम करेगा। तो यार ये काफ़ी बढ़िया बात होने वाली है। इसकी बैटरी दोस्तों रहने वाली है 3800 से 3900 mAh के बीच की। साथ में फास्ट चार्जिंग, टाइप सी सपोर्ट, ये सब आपको बेसिक फीचर देखने को मिलेंगे। अब दोस्तों बात करेंगे इसके सामने की ओर से डिजाइन की, तो आप पिक्चर में देख सकते हैं यहाँ पर दोस्तों आपको कोई मतलब नोच दिखाई नहीं दे रही है और ना ही दोस्तों फुल व्यू डिस्प्ले है। आपको थोड़ी बहुत नोच ऊपर और नीचे की साइड, आपको थोड़ी बहुत दोस्तों बेजल्स ऊपर और नीचे की साइड दिखाई दे रही है, बट दोस्तों जो स्क्रीन की क्वालिटी है दोस्तों वो काफ़ी बढ़िया रहने वाली है। यहाँ पर दोस्तों आपको क्वाड HD प्लस की डिस्प्ले मिलेगी, यानी कि आपको 2K रेजुलेशन मिलने वाला है। तो दोस्तों एक कमाल की डिस्प्ले यहाँ पर हमें नोकिया की ओर से देखने को मिलेगी। अब दोस्तों अब देखने वाली बात होगी कि ये किस प्राइस सेगमेंट में आता है। बेसिकली फ्लैगशिप है तो यार इसकी प्राइसिंग मेरे हिसाब से 50,000 के ऊपर ही कूदेगी, बट देखते हैं दोस्तों ये कब आ पाता है। अब इसकी आने की दोस्तों संभावना है कि ये मार्च के आसपास दोस्तों आपको इंडिया में देखने को मिल सकता है। इसकी ग्लोबली लॉन्चिंग दोस्तों बार्सिलोना में हो सकती है। अब दोस्तों आप बताइए कि इसकी प्राइस एग्जैक्टली क्या होगी और आपको इसके कौन से फीचर पसंद आए हैं। यहाँ पर दोस्तों लेंस के बारे में पता नहीं चला है, बट दोस्तों ये गारंटी है कि सोनी के लेटेस्ट सेंसर का दोस्तों यहाँ पर यूज़ किया गया है और 5 कैमरा आपको देखने को मिलेंगे। पोर्ट्रेट मोड और लो लाइट फोटोग्राफी दोस्तों कमाल होने वाली है। और एक खास फीचर भी दोस्तों सामने आ चुका है, यहाँ पर आप फोटो खींचने के बाद फोटो को अपने हिसाब से ब्लर कर सकते हैं, यानी कि आप जहाँ कर सकते हैं आप फोकस को चेंज कर सकते हैं। तो ये अभी तक नहीं देखने को मिला है हमें किसी भी ऐसे फ़ोन में जिसमें 5 कैमरे हों और इतने बढ़िया फीचर हमें देखने को मिले। तो भाई आप वीडियो में कमेंट करके बताएं कि आपको कौन सा फीचर अच्छा लगा है। वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।